الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بار المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سلام اللہ کا شکر ہے کہ توفیقات ایزدی سے آپ سب ایک مرتبہ پھر اس با اخلاص عبادت کے لیے آمادہ ہو گئے جہاں ہم سے پہلوں نے بھی اس بندگی میں شرکت کی تھی اور حصہ لیا تھا اور امتوں پر بھی اس عبادت کو واجب کیا گیا تھا اور یہ وہ آزمائش والی عبادت ہے کہ جہاں انسان بڑی آسانی کے ساتھ اخلاص کو ریا سے الگ کر لیتا ہے
और इस माह मुबारक में चूंकि नुज़ूल कुरान है इसलिए यह हुक्म है कि जिस कदर मुमकिन हो सके रोजे के साथ साथ कुरान की तिलावत का भी ख्याल रहे और जिस कदर हो सके कुरान पढ़ा जाए। जाहिर है कि मिल्लत मुस्लिमा तिलावत कुरान में मसरूफ है और यह भी एक इबादत है। हम भी हज़्बे सालहाए मा सबक इस इबादत में अपने आप को शामिल समझते हैं। जरा सी तब्दीली के साथ, जरा से फर्क के साथ के जिन आयतों पर से दुनिया सरसरी गुजरती है वहां हम ये चाहते हैं कि रुक रुक कर, ठहर ठहर के और उसको हज़्ब तौफीक हज़्ब इस्तेताअत समझ कर आगे बढ़ें, इसलिए कि जिसने नाजिल किया वो भी हुदूद में नहीं है, जिसको नाजिल किया वो भी हुदूद में नहीं है। और इस तरह से जहां हदें कायम नहीं हो सकती वहां गुजरता हुआ जमाना भी हद नहीं बनता कि हम इस वक्त 1391 हिजरी में हैं और इस एतबार से अब हम समझ लेंगे कुरान को, ऐसा नहीं है। बल्कि ये वो मोजेजा है कि जहां अक्ल इंसानी अपनी मुसलसल काविशों के बाद रोजे महशर तक मोहलत पाती है कि इस अरसे मोहलत में भी अगर समझ सकते हो तो समझ लो, और अगर कभी किसी मौके पर इस काबिल हो सकते हो कि इसी तरह से कुछ कह सको तो फकत वो दावा आगाज नुज़ूल कुरान ही के वक्त नहीं था बल्कि महशर तक जो फुर्सत है वहां तक हर अरबी फहम और हर अरबी दां और हर अरबी समझने वाले और बोलने वाले के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज है कि अगर हो सकता है फातू बे सूरत मिसले, इस तरह से कोई सूरा तुम लाओ ताकि ये अंदाजा कर सको कि वाकई इंसान ने समझ लिया है कुरान को और अब वो उसके ममासिल कोई चीज ला रहा है। मैंने अर्ज किया महदूद नहीं है ये कलाम और महदूद नहीं है इसका नाजिल करने वाला, इसलिए इसकी हदें कायम नहीं हो सकती। हर जमाने में एक ताजा तफसीर लिखी जा रही है और हर असर में हर दौर में मुफक्किर अपनी ताजा फिक्र के साथ ये चाहते हैं कि कुरान पर मुहित हो जाएं, मगर कुछ कोशिश के बाद आजिजी सी आजिजी नजर आती है और ये अंदाजा होता है कि नहीं हक अदा हो नहीं सका।
इस साल के लिए जो सूरह मुंतकब हुआ वो सूरह असरा या सूरह बनी इसराइल है। यह कुरान मजीद का वो सूरह है जो सूरह नहल के बाद वाक़े है, यानी इसका निशान 17 है। सूरह नहल 16, ये 17, और इस तरह से फिर इसके बाद सूरह कहफ, फिर सूरह मरियम, ये बनी इसराइल है। वक्त का तकाजा ये था कि इस सूरह पर सैर हासिल गुफ्तगू हो, फकत एतबारे सियासत ही नहीं, इसलिए कि कुरान तो किसी सियासत को मानने के लिए तैयार ही नहीं। वाह वाह, क्या कहना, यानी उस माना में कि जिस माना में ये लफ्ज मुस्तमल है उसको तस्लीम नहीं करता कुरान, ये एक अलहदा ही गुफ्तगु है। और न इस किस्म का कोई लफ्ज कभी कुरान में इस्तेमाल हुआ है, हालांकि ये अरबी लफ्ज है, ये अरबी लफ्ज है, मगर उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये सूरह बनी इसराइल या असरा, अजीब इत्तेफाक है कि उस आये वाफी हिदाया से शुरू होता है कि जिस आयत पर बहस करते हुए हमारे मुफस्सरीन ने, किसी ने 50 सफे, किसी ने 60 सफे, किसी ने 70 सफे, हज़्ब हौसला और हज़्ब मज़ा बहस की, और ये चाहा कि हक अदा हो सके, मगर जाहिर है कि बातें थी मेराज की, इसलिए हक अदा न हो सका, हक अदा न हो सका, और जहां से गुफ्तगु छिड़ी थी आज भी वहीं है, आज भी वहीं है। देखिए ये इस जुमले को हम तमहीद का आखिरी हिस्सा करार देते हैं, और इसके बाद इस अमर की जरूरत है कि एक मुख्तसर सा मुकदमा मिजाज कुरान के मुतालिक आपकी समाअत के लिए हदिया करें। और वो मुख्तसर सा मुकदमा यह है कि कुरान मजीद की तिलावत के वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रहे कि जहां से सूरह शुरू होता है, जहां से सूरह शुरू होता है उस पर इतनी गायर नजर रहे, उसके मानी पर, उसके मफाहीम पर, उसके मतालिब पर, इसलिए कि जाते वाजिब का कलाम है, शायद शायद वही एक लफ्ज पूरे सूरे के राज को खोलने वाला हो। शायद वही एक लफ्ज काशिफ राज हो। यह गुफ्तगू इसलिए की गई कि मैं अपनी इस तकरीर को गुज़िश्ता साल की तकरीरों से मुसलसल कर रहा हूं। गुज़िश्ता साल हमने सूरह तौबा की तफसीर की, सूरह तौबा का पहला लफ्ज था बरातुम मिनल्लाह। मैंने उस वक्त भी ये जोर दिया था कि अगर ये पहला लफ्ज आपके समझ में आ जाए तो सनअत बरात इस्तेहलाल के जरिए आप ये समझ लेंगे कि पूरे सूरे का रुख किधर जा रहा है। पहला लफ्ज बरातुम मिनल्लाह, तो इसको आपके पास सनअत शेर में बरात इस्तेहलाल कहते हैं कि जहां पहले ही मिसरे में कसीदा कहने वाला एक ऐसा इशारा कर दे कि जिससे
कहने वाले के दिल का मुद्दा आखिर तक मालूम हो सके कि उस वो ये तवक्को रखता है और बयान करने की, और उसने ये बयान करना चाहा है। तो बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह सूरह असरा का पहला लफ्ज है सुबहान। अगर यह सुबहान समझ में आता है, अगर यह सुबहान समझ में आता है, तो यकीनन न सिर्फ आप आयाए असरा को समझेंगे बल्कि इस पूरे सिलसिले को समझेंगे बनी इसराइल के सूरे के, जो सूरा तस्बीह से शुरू होकर तहमीद पे खत्म होता है। सुबहान अल्लज़ी से सूरा शुरू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी पर खत्म होता है। वो तस्बीह है या तहमीद है, और इसलिए एक अजीब मौजिज़ नुमा इस सूरे में तसलसल है। अगरचे इसी सूरे में नूह का तस्करा है, मूसा का तस्करा है, बनी इसराइल का तस्करा है, इसी सूरे में हुररे आयात हैं, यानी वो आयतें कि जिनके मुतालिक मुफस्सरीन ने बड़ी तबाज़माई की है। इन सारी चीजों के बावजूद ऐसा मालूम होता है कि एक मुस्तकिल तसलसल, एक मुस्तकिल रब और एक कंटिन्यूटी है जो आगाज से लेके अंजाम तक इस सूरे में मौजूद है। तो अब हम एक लफ्ज पर बहस कर रहे हैं, और अगर इस लफ्ज पर बहस आज खत्म हो जाती है तो मैं मुतमईन हूं, इसलिए कि शायद हम वक्त निकाल सकें, और अगर नहीं तो मजबूरी सी मजबूरी है, आप भी गौर करें, फिक्र करें, और फिर मुझे भी मौका दें कि मैं इसकी तफसील को और पेश कर सकूं। सुबहान, सुबहान मजदर है, गुफरान, सुबहान मजदर है, और लुगत के लिखने वालों ने यह कहा है कि माना उसके ये है कि मैं तस्बीह करता हूं अल्लाह की, मेरी तस्बीह है अल्लाह के लिए, ये लुगत। मगर मुफस्सरीन ने कहा और तर्जमा करने वालों ने कहा सुबहान मजदर जरूर है मगर वही माना कि पाकी, पाकी नक्स से दूरी, जहां कमी का इम्कान न हो, सुबहान हर नक्स से दूर। थोड़ी सी तवज्जो, इसलिए कि लफ्ज मुश्किल है। सुबहान मकाम तंजीह है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, तुम जो तौसीफ करते हो अल्लाह की, अल्लाह उससे मुनज्जा है। अब देखिए सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, तुम जो तस्बीह करते हो अल्लाह उससे मुनज्जा है। सुबहान अल्लाह अम्मा यकूलून उलुवन कबीरा, तुम ये जो बड़बड़ के बातें कर रहे हो अल्लाह मुनज्जा है। कालु तकदर रहमान वलदा, कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया, सुबहान पाक है वो। अब देखिए सुबहाना के इस्तेमाल को देखते जाइए कुरान में, सुबहान अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सुबहान अल्लज़ी बियदिही मलकूतो कुल शय, मुनज़्ज़ा है वो जिसके कब्जे कुदरत में हर शय का इर्तिबात है, मलकूत
होल्ड होल्ड पूरे कायनात का होल्ड जिसके पास है, कब्जा इख्तियार है, इतनी मजबूत है कायनात कि जहां से चाहे पूरे कायनात पे कंट्रोल करे। सुभान वो पाक है, सुभान अल्लज़ी खलक अल-अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ध व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। पाक है वो कि जिसने इंसान में जोड़े पैदा किए और इन जोड़ों को इस तरह से पैदा किया कि उनमें खिलकत के लिए तीन अज्जा थी। सुभान अल्लज़ी खलक अल-अज़वाज कुल्लहा तीन अज्जा मिम्मा तुंबितुल अर्ध सूरह यासीन। एक वो जुजो के जिस जहां जमीन का नमू हो जो जमीन उगा है वह मिन अनफुसहिम एक जुजो इनका नफ्स वह मिम्मा ला यालमून एक ऐसा जुजो है जिसको ये नहीं जानते। सूरह यासीन सुभान अल्लज़ी खलक अल-अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ध व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। आपको ताज्जुब होगा कि खुद नफ्स इंसानी भी समझ में नहीं आता मगर ज़ात वाजिब ने उसको भी समझ के दायरे में लाकर तीन अज्जा किए इंसान के मिम्मा तुंबितुल अर्ध व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। एक वो के जो जमीन का नमू है, एक वो जो तुम्हारा नफ्स है, एक वो जिसको तुम नहीं जानते। तो अब नफ्स से भी कोई एक और बुलंद शय है खिलकत इंसान में जिसको तुम नहीं जानते, आज नहीं जानते, कल नहीं जानोगे, कयामत तक न जान सकोगे कि वो तीसरी शय क्या है। ये कुरान का चैलेंज है, वे मिम्मा ला यालमून, उस पर किसी ने बहस ही नहीं की, बहस ही नहीं की। अभी तो नफ्स में उलझे हुए हैं कि नफ्स इंसानी क्या है। और ये हिकमत भरा कौल हमारे सामने है, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। हालांकि नफ्स का पहचानना भी मुश्किल है, नफ्स का पहचानना भी मुश्किल है, इरशाद हुआ कि नहीं। फिर भी तुम्हारा हिस्से बातिन एक अंदाजा कर रहा है कि एक मैं है, एक अना है, और वहां तक तुम्हारा हिस्से बातिन पहुंच रहा है। इसलिए वो भी तुम्हारे एहसास की जद में है। मगर जो तीसरी चीज जो तुम्हारी किलकत में जुज़्वे आज़म है वह मिम्मा ला यालमून, जिसको तुम नहीं जानते, तुमको इल्म ही नहीं है, तुमको इल्म नहीं है, वो सुबहान अल्लज़ी, वो पाक है, वो पाक है। तो आपने देखा कि कुरान मजीद में 41 मकाम पर लफ्ज सुबहान आया है, 41 मकाम। और ये सूरा जिसकी 111 आयतें हैं इसमें 3 मकाम पर लफ्ज सुबहान आया है। शुरू हुआ है लफ्ज सुबहान से, इस तरह यानी यह मकाम तशबीह नहीं है, यह मकाम तंजी है, ते नून जे ये है, यानी मुनज़्ज़ह होना, मुबर्रा होना, अजल होना, आला होना, अरफा होना, कि यह बुलंद है, यह बुलंद। तो अब इस मंजिल पर पहुंचकर अगर हम इस्तेफादा करें कलाम मासूम से और उसी से पूछने की कोशिश करें कि जिसके मेराज के लिए ये आयत आई और जिस आयत का पहला लफ्ज़ सुबहान है, तो मुमकिन है वही कुछ बतलाए कि सुबहान के माना क्या है।
और ऐसे में रावी, ये अजीब रिवायत है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, आप याद रखें, रावी इमाम हसन मुश्तबा हैं। और रिवायत करते हैं कि मैं अपने नाना के पास था कि एक यहूदी आया और वो पहली नाजिल होने वाली किताबों का अपने आप को आलिम समझता था। उसने कहा कि आपने नबुव्वत का दावा किया है, आप नबी होंगे या सिलसिले अंबिया में कोई वसी होंगे, मगर जाहिर है मैं जो कुछ पूछता हूं वो या नबी बतलाएगा या वसी बतलाएगा, इसलिए अब आप ये बतलाएं कि इब्राहिम ने काबे के चार गोशे क्यों बनाए, इसको मुरब्बा क्यों किया, कहा इसको मुरब्बा इसलिए किया कि चार कलमों पर बना। अब ये इरशाद रसूल, चार कलमों पर बना। उसने कहा वो कौन का चार कलमे, इरशाद फरमाया सुबहान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह व अल्लाहु अकबर। चार कलमात पेश नजर थे इब्राहिम के, बेतवस्सुत वही जब यह इशारा हुआ कि ये कलमात अहम है, उन्होंने खाने काबा को इन चार कलमात की बिना पर मुरब्बा करार दिया। तो बेख्तियार उसने कहा कि वो खुद कहे कि अकबर है, फरमाया हां, इसलिए कि उसकी किब्रियाई का कोई अंदाजा कायनात में नहीं कर सकता, इसलिए अपनी किब्रियाई को खुद बतलाते हुए ऐलान करता है कि अल्लाह अकबर है, अपनी किब्रियाई का ऐलान किया। बहुत गौर से उसने पूछा किससे अकबर है, किससे अकबर है, इशा फरमाया मिन आई यूसफ, इससे अकबर है कि उससे उसकी तारीफ की जा सके। अल्लाह अकबर मिन आई यूसफ, कि उसका वस्फ बयान किया जा सके उससे अकबर है। हम वस्फ बयान कर करके थक गए, वो अकबर है। कायनात तारीफ कर करके थक गई, वो अकबर है। औलिया मकाम मोहब्बत में, मकाम मारिफत में गुफ्तगू कर करके रह गए, वो अकबर है। नारे सलवा, अंबिया ने तबलीग की और जिंदगियां गुजार दी, वो अकबर। उसने कहा और ला इलाहा इल्लल्लाह खुद कहे, कहा हां, यह उसी को जेब देता है कि अपनी एकताई का ऐलान करे, इसलिए कि वो अगर न कहे तो उसकी एकताई की तख्लीक अक्ल इंसानी से मुमकिन नहीं है। अक्ल ने उसको एक नहीं बनाया,
सुकरात ने, अरस्तु ने, अफलातून ने, किसी और बड़े मुफक्किर ने अपने अफकार के नतीजे में ये नहीं कहा कि खुदा एक है, बल्कि मुझसे वही आई अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा खुदा एक है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह वो खुद कहे। कहा फिर अल्हम्दुलिल्लाह का, इसीलिए कि वो जान रहा था कि तारीफ किसी से ना हो सकेगी, तारीफ किसी से न हो सकेगी, तो जाते वाजिब ने अपने आप को इस काबिल करार दिया कि खुद अपनी आप तारीफ करें, खुद अपनी आप तारीफ करें। देखिए मैं भी सुभान अल्लाह पे आ रहा हूं, इस मकाम पर एक और मंजिल। हर सूरा हमारे पास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू होता है, और ये आपको मालूम है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरे का जुज़्व है, सूरे से अलग नहीं है, इसको सूरे से अलाहिदा नहीं किया जा सकता। मुमकिन है कि आलम इस्लाम में इसके मुताल्लिक और नजरियात हों, मगर कहीं दुनिया में कुरान जहां छपेगा वहां सूरे के आगाज पर वो जुज़्वे सूरा हो के न हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। जाहिर है कि सूरह बरात में बिस्मिल्लाह नहीं है तो किसी कुरान में भी नहीं है, यानी जुज़्वे सूरा नहीं है, और यहां सूरे का जुज़्व है, इसलिए सब सूरों में और सारे कुरान जहां जहां छपते हैं उन सब में बिस्मिल्लाह मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किसने कहा? नबी ने कहा। देखिए अब गुफ्तगू, नबी ने कहा, सूरा आया, नबी ने कहा अब शुरू करता हूं। देखिए लफ्ज शुरू तो है ही नहीं उसमें, ये बे की एक तफसीर है कि जिसको कहें इब्तिदा के लिए है, वरना नाम से अल्लाह के, नाम से अल्लाह के जो रहमान और रहीम है। तो नबी ने कहा नहीं, वही आई। हां, जब वही आई तो क्या बात थी? बात यही है कि हमारे पास जहां कोई बहुत अच्छा काम होता है, जरा सा सतह से बुलंद काम, तामीर में हो, तालीम में हो, तरबियत में हो, साइंस में हो, किसी इल्म में हो, किसी फन में हो, किसी हुनर में हो, जरा सा भी सतह से ऊंचा हो तो दिल ये चाहता है किसी ऐसे से इफ्तिताह करवाओ जिसका नाम वहां कंदा हो। हर आदमी ये चाहता है कि इफ्तिताह बड़े आदमी से हो, बड़े आदमी से, कुरान से कोई और ज्यादा बुजुर्ग कारनामा तो रूए जमीन पर और सफाए हस्ती में नहीं है। इतने बड़े कारनामे का आगाज करते हुए किसकी हिम्मत थी जो इसको अपने नाम से शुरू करता है? अपने नाम से शुरू कर, उसी के लिए जेबा था ये आगाज,
कि जिसने वही नाजिल की और कहा मेरे नाम से। अजीब कैफियत, मेरे नाम से, मेरे नाम से, जो रहमान रहीम मेरे, तो उसी को ये ज़ेब देता है, उसी को ज़ेब देता है। वरना हमारे पास अगर रियासत का कोई बड़ा हाकिम भी हो और खुद कोई चीज बनाए तो ये जुरत नहीं कर सकता मेरे नाम, मेरे नाम। हाँ, दूसरे उससे ये कहलवाएं कि ये आपके नाम से हमने इसको डेडिकेट किया है, हमने मुअन्वन किया है, तो और बात है। मगर ये कि बजाते खुद किसी की ये जरूरत नहीं है अपने नक्स को देखकर, अपनी कमजोरियों को देखकर, अपनी कोताहियों को देखकर कोई काम सही, वो कहें कि मेरे नाम से, ये उसी को जेब दे गया कि मेरे नाम से अल्लाह रहमान रहीम। तो आपने देखा कि वो जो अपने आप को, अपने आप को इस मंजिल पर देख रहा है कि खुद अपनी तौसीफ करे, खुद अपनी तारीफ करे, खुद अपनी इकताई और एकानगत को बयान करे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसको वही बना दे, वही बना दे। कुरान मजीद में एक और आए थे कि ऐ हबीब, फकत तुम्हारी तरफ नहीं और रसूलों की तरफ भी हमने यही वही की कि खुदा एक है। यानी ये किसी और की फिक्र का नतीजा नहीं है। इंसान तो हमेशा अंधेरे उजाले में रहेगा, इंसान तो हमेशा अहरमन और यजदा के झगड़े में रहेगा, इंसान तो हमेशा नेकी और बदी की ताकतों में उलझा रहेगा, इंसान तो हमेशा खैर और शर के देवताओं में परेशान रहेगा। तौहीद हक, वो कलिमा हक है जो वही बन के आए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जब यहां तक तशरीह हुई तो उसने कहा कि हुजूर अब सुभान अल्लाह, अब सुबह, तब ये आखिरी मंजिल है। मैं चाहता हूं कि इस मंजिल को हम बहर सूरत तय कर सकें आज। इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह मकाम तंजी है, मकाम तंजी है, यानी वो बुजुर्ग है, वो आला है, वो अरफा है, वो मुनज्जा है, वो मुनज्जा है। अस्किया किस चीज से, यहूदी ने पूछा किस चीज से मुनज्जा है, यह जवाब सरकार रिसालत का है जिसके लिए आयत आई है। अब इसके बाद तो कोई मेरा हौसला नहीं है कि मैं किसी और मुफस्सिर की तफसीर को देखूं। यह आखिरी मंजिल है। कहा कि किस चीज से मुनज्जा है, इरशाद फरमाया खुदा को इल्म था, खुदा को इल्म था कि बंदे उसकी बहुत सी बातों को झूठ करार देंगे, बहुत सी बातों को झूठ करार देंगे और बहुत सी बातों की तकजीब करेंगे। यकज़िबून व युकज़िबून, झूठ करार देंगे और तकजीब करेंगे। तो खुद कहा सुभान अल्लाह कि मैं मुनज्जा हूं। अगर तुम समझते हो कि यह झूठ है तो आए मेराज को शुरू किया सुभान अल्लाह से, ताकि कयामत तक कोई यह न कहे कि यह झूठ है। देखिए अजीब मंजिल है। अल्लाहुल्लज़ी नहीं है, वो अल्लाह जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। सुभान अल्लज़ी,
अब पता चला कि पहले हर्फ ने बतलाया, पहले लफ्ज ने बतलाया कि अगर इस सूरे में अगर 1533 लफ्ज हैं तो हर लफ्ज पर सुबहाना की हुकूमत है कि अगर जिसको तुम गलत समझने की कोशिश करोगे खुदा मुनज़्ज़ा है। यही मौजज़ा है कुरान का कि पहली आयत के पहले लफ्ज में वाज़ह कर दिया कि अब जिसको मेराज में शक हो वो पहले तय करके चले कि मेराज किसके हुक्म से हुई, किसके हुक्म से हुई, उसके हुक्म से कि सुभान अल्लाह ही अम्मा यकूलून उलुवन कबीरा, जो कुछ ये कह रहे हैं उससे बुलंद है, उससे मुनज़्ज़ा है, उससे मुबर्रा है। अब जिस्मानी हुई या रूहानी हुई या ख्वाब में देखा या जिस्म वहीं रह गया, अब ये सब बातें आपके जहन में आए और आप बेख्तियार कहते जाएं सुभान अल्लज़ी, सुभान अल्लज़ी। अब यहां कशाफ हों के राजी या कोई और मुफस्सिर, वो जिस तरह से जा चाहे मेराज की तफसीर करे, मगर पहले एक मरतबा पूरी मेहनत से 41 मकामात पर कुरान में ये देखे कि ये लफ्ज़ सुबहान का इस्तेमाल क्या है। मरियम को बेटा हुआ, कुछ लोगों ने मरियम पर तोहमत लगाई, कुछ लोगों ने कहा बेटा खुदा का है, बे अख्तियार इरशाद होता है सुबहानहु व तआला अम्मा युशरकून, तुम्हारे शिर्क से बुलंद है। अब हम मंजिल कुछ और बढ़ गई, तुम्हारे शिर्क से बुलंद है, हम ये कहते हैं कि अब्द है, तुम ये कहते हो कि बेटा है, तुमको हमारी जात में यकीन है, हम में यकीन है, मगर तुमको हमारे कौल पर यकीन नहीं है, हमारी बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए तुम ये कहते हो कि बेटा है सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह मुनज़्ज़ा है तुम्हारे शिर्क से। यानि जाते वाजिब के मुकाबिल में तुमने अपनी बात को मनवाने की कोशिश की और अपने अना को मेरे मुकाबिल जब बुलंद किया तो ये शिर्क है, यह शिर्क है। और खुदा मुनज़्ज़ा है, अगर खुदा कहे कि मैं अपने बंदे को ले गया और तुम ये कहो कि फसाना है, तुम ये कहो कि फसाना, सुभान अल्लज़ी, पाक है वो, मुनज़्ज़ा है वो, अब जिस तरह से चाहे जो सोचे, जिस तरह से बयान करे, जो चाहे कहे, मगर इस आयत के पहले लफ्ज ने जाते वाजिब के इस्तेगना को बतलाया कि वो इतना गनी है आलमीन से कि उसको किसी की परवाह नहीं है, इसलिए कि उसने कहा कि सुबहान अल्लज़ी, वो सुबहान है और ये अब्द है, अभी सुबहाना पे है, सुबहान है और ये अब्द है, असराब अब्द ही, तो अब्द फकत रूह नहीं है, अब्द फकत रूह नहीं है, रूह और जिस्म की तरकीब है अब्द,
जिसको अब्द कहते हैं वो फकत रूह नहीं है, रूह और जिस्म की तरकीब है जिसको अब्द कहा, और वो सुभाना, वो सुभाना है। और अब्द कहकर अपने मुनज़्ज़ा होने को इस शान से पेश किया, इस शान से पेश किया कि हम अपने अब्द को ले गए, सुभाना, मुनज़्ज़ा है वो, मुनज़्ज़ा है वो, तंज़ीह की मंजिल पर है। मूसा तुम और वो सुभाना, वो सुभाना है, उनकी तरकीब है जिसको अब्द कहा, और वो सुभाना, वो सुभाना है। और अब्द कहकर अपने मुनज़्ज़ा होने को इस शान से पेश किया, इस शान से पेश किया कि हम अपने अब्द को ले गए, सुभाना, मुनज़्ज़ा है वो, मुनज़्ज़ा है वो, तंज़ीह की मंजिल पर है। मूसा तुम खुद आओ, वलम्मा जा मूसा ले मीकातेना, जब मूसा आए चलकर हमारी वादगाह पर, तजल्ला रब्बहू लिल जबल, उनके रब ने तजल्ली की पहाड़ पर, वो आए यहां, इनको ले जाया गया, यहां इनको हुक्म मिला चलो, असरा, मुनज़्ज़ा है वो, मुनज़्ज़ा है वो। अगर मूसा को बुलाता है तो वो भी अब्द है, अगर इनको ले जाता है तो ये भी अब्द है, मगर अब्दियत से अब्दियत तक फर्क है, अब्दियत से अब्दियत तक फर्क है। और कयामत तक जिस उम्मत को रहना है वो मूसा की अब्दियत का कलमा नहीं पढ़ती, वो तो बेअख्तियार कही जा रही है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, में गवाही देते हैं हम कि वो अब्द है, उसका रसूल है, पहले अब्द है फिर रसूल है। और सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिह, वो पाक है, मुनज़्ज़ा है तुम्हारी फिक्र से, तुम्हारे शऊर से, तुम्हारी अक्ल से, तुम्हारी बेतादियों से, तुम्हारी गुमराहियों से, तुम जो कुछ शुबहात पैदा कर रहे हो बसिलसिलाए मेराज, सबसे मुनज़्ज़ा है। खर्क इल्तियाम, यह भी एक शुबा है, जाना और आना यह भी एक शुबा है, किसके घर से गए यह भी एक शुबा है, यह भी एक शुबा है। नहीं, शुबहात की मंजिल इतनी अजीब और गरीब, वो सुबहाना पेश नजर रहे, वो इतनी अजीब और गरीब कि दो रावी ऐसे हैं, दो रावी ऐसे हैं कि जिन्होंने बेअख्तियार असर डाल दिया रुवात पर, इस्लाम के रुवात पर दो रावियों ने असर डाल दिया, एक हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन और दूसरे अमीर शाम मुआविया इब्न अबी सुफियान, दोनों ने रुवात इस्लाम पे असर डाला ये कह के जिस्म तो था बिस्तर पे, बिस्तर पे जिस्म था, रूह गई, रूह गई। और मेराज का किस्सा ये है कि मेराज है हिजरत से 7 बरस पहले, और ये बीबी आई है हिजरत के 2 बरस बाद, ये एक रावी का हाल है। दूसरा रावी 8 हिजरी में आया है जंगे खैबर के बाद फतेह मक्का,
हिजरी खैबर और उसका आखिरी हिस्सा या नवी हिजरी का पहला महीना के फतेह मक्का और बाप और बेटे आए। तो आपने देखा 14 बरस पहले की बात को यूं कैसे हतमी तौर पर कह सकता है कि बिस्तर पर जिस्म था, बिस्तर पर जिस्म था। तो अब ये रिवायत हमको मुतासिर करे या रिवायत वो मुतासिर करे कि जो कसम खा के ये कहे कि मेरे घर में आराम कर रहे थे और वो है बेटी अबू तालिब की। उम्मे हानी के घर में थे, उम्मे हानी के घर में थे और बयान करती हूं उम्मे हानी के कोई है जो ये कहे कि मेरे अलावा किसी और के घर से मेराज हुई। अजीब बात है, हिजरत से 5 और 7 बरस पहले का वाकया है, इसलिए यह किसी ने नहीं कहा कि मेरे घर का। उम्मे हानी ने कहा मेरा घर, और सोने वालों में वहां जाफर भी थे, खुद अली भी थे और बाद रिवायात के एतबार से हमजा भी थे। और ऐसे में उम्मे हानी बयान करती हैं कि इशा की नमाज के बाद ताकीबात में मसरूफ हुए तो फिर मैंने नहीं देखा, फिर मैंने नहीं देखा अपना जिस्म है न रूह, मैंने नहीं देखा। तो मैंने घबरा के अपने भाइयों को उठाया और मेरे भाई दौड़े हुए अबू तालिब के पास गए और अबू तालिब आए, मजलिस का आवाज अबू तालिब, फिर आखिरी मजलिस के लिए आप आमादा रहे हजरत सालहा मासबा अबू तालिब के पास और अबू तालिब तलवार खींचे हुए पहले तो मोहल्ले में गिर दौड़ते रहे और फिर उसके बाद खाने काबा के पास और बराबर आवाज देते रहे कि खबरदार अगर किसी ने मोहम्मद को बिस्तर से हटाया है और अगर उसको जर्रा बराबर भी किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आज मक्के में खून की नदियां बह जाएंगी। पुकार पुकार के अबू तालिब कह रहे थे, सब अपने अपने घरों में छिपे हुए बैठे थे कि सामने कौन जाए। ऐसे में नमाज सुबह का वक्त आया, उम्मे हानी ने कहा जाके कहो अबू तालिब से आ गए। आज की गुफ्तगू खत्म हुई, मैंने जहमत दी, जाहिर है वो लफ्ज का हक अदा नहीं हो सका और मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा। अबू तालिब आए, बेटे की भतीजे की पेशानी का बोसा लिया और कहां थे, कहा खुदा ने बुलाया था, खुदा ने बुलाया था। तो अबू तालिब को अब शक नहीं हुआ, पहला जुमला सुनकर अबू तालिब को शक नहीं हुआ कि कैसे गए, कैसे आए, जिस्म से गए, किस तरह से गए, आसमानों को कैसे उबूर किया, कुछ नहीं। भतीजे ने कहा खुदा ने बुलाया था और अबू तालिब ने तस्दीक की वो मोमिन या ये मोमिन। खुदावंद वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमको फहमे कुरान की तौफीक अता।
परवरदिगार यह मुबारक महीना शुरू हो रहा है, हमको इस काबिल रख के हम तेरी इबादत में इसके दिन और रात बसर करें। बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बहुत सी हैरानियों में मुब्तला हैं अल्लाह उनकी हैरानियों को दूर फरमा, ताजील फरमा।